सो फर्स्ट वन इज सस्पेंस टू बैंक ओवरड्राफ्ट, समझा? आपको अंडर कास्टिंग था, बैंक को या क्रेडिट बैलेंस होता है उसको बढ़ाना है तो गिव इट अ क्रेडिट. सेकेंड वन, पेड रेम्यूनरेशन टू कपिल, अ फैक्ट्री सुपरवाइजर, 9,000 रिकॉर्डेड इन कैश बुक, व्हाट वाज ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन द लेजर बुक. सो आई थिंक योर करेक्ट एंट्री शुड बी आपका फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी टू कैश. यू कैन राइट फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी या सुपरवाइजर सैलरी या सुपरवाइजर रेम्यूनरेशन, ओके, या सिंपली रेम्यूनरेशन इज ऑल्सो फाइन, रेम्यूनरेशन टू कैश. ओके, द फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर रेम्यूनरेशन टू कैश, दैट इज करेक्ट एंट्री. रॉन्ग एंट्री, डैश टू कैश, रिवर्स कैश टू डैश, एंड रेक्टिफाइड इज सुपरवाइजर सैलरी टू सस्पेंस. इज दिस क्लियर? सुपरवाइजर सैलरी या फिर सुपरवाइजर रेम्यूनरेशन टू सस्पेंस. थर्ड वन, क्रेडिट साइड ऑफ मोटर कार इज ओवरकास्ट बाय 5,500 एंड नॉट ट्रांसफर्ड एट ऑल. क्या होगा इसका रेक्टिफाइड एंट्री? क्रेडिट साइड ज्यादा बता दिया आपने मोटर कार का, तो क्या करना है? गिव इट अ मोटर कार टू सस्पेंस, गिव इट अ डेबिट. एब्सोल्युटली राइट. सो मोटर कार टू सस्पेंस, दैट्स योर रेक्टिफाइड एंट्री नंबर थ्री. फोर्थ वन, सॉरी, सोल्ड गुड्स टू सुनीत ऑफ 3,500 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक बट वाज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन सुनीत टू सेल्स. सुनीत टू सेल्स इज करेक्ट. रॉन्ग इज डैश टू सेल्स, क्योंकि पर्सनल में नहीं लिखा है उसके अकाउंट में. डैश टू सेल्स, रिवर्स इज सेल्स टू डैश, एंड रेक्टिफाइड इज सुनीत टू सस्पेंस. सुनीत टू सस्पेंस, दैट्स योर रेक्टिफाइड एंट्री. ओके, टोटल ऑफ परचेज बुक 8,989 वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड एज 9,898. इसका क्या करना है? टोटल का, टोटल का बात किया, मतलब व्हाट टाइप ऑफ एरर इट इज? कास्टिंग एरर. ओवरकास्ट हो गया परचेज, तो रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी सस्पेंस टू परचेज 909. Okay. Then office rent of 750 paid to Hari was wrongly posted to office rent account as 570. This one was थोड़ा सा ट्रिकी. दो एरर साथ में हो रहे थे यहाँ पे. पहले तो करेक्ट एंट्री क्या होगी इसकी बता सकते हो? Rent to cash. Rent to cash. Rent to cash is correct. That is 750. What is the wrong part? हरी को डेबिट कर दिया है ना सर? नहीं, ऑफिस रेंट को ही डेबिट किया. माय बैड सर, ऑफिस रेंट को ही डेबिट किया है, लेकिन कितने सर? 570. इज देयर एनी मिस्टेक इन कैश? नो, डैश टू रेंट टू. हाँ, तो ये डैश हो जाएगा आपका 180 रुपीज का. रिवर्स किया जाए तो यू गेट कैश टू रेंट टू डैश. एंड कैन यू कैंसल आउट एनीथिंग? Cash or cash? Cash, cash gone. Rent, rent also gone to the extent of 570. So either 180 bachega. So what's your rectified entry? Rent to suspense. Rent to suspense. That will be how much? 180, right? Yeah. Rent to suspense should be 180 rupees. Is that right? Then sold old furniture and received 3,390 was debited to furniture account though correctly recorded in cash book. करना था आपको, आपने फर्नीचर बेचा है, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री फॉर सोल्ड फर्नीचर? कैश टू फर्नीचर. कैश टू फर्नीचर, तो कैश डेबिट होना चाहिए, फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए. आपने गलती से क्या किया? फर्नीचर को डेबिट दे दिया. व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? कैन यू टेल मी रॉन्ग एंट्री ऑफ दिस? फर्नीचर टू कैश. फर्नीचर कैश टू कैश. फर्नीचर कैश टू डैश. सस्पेंस नहीं लिखना है, डैश. फर्नीचर कैश टू डैश, दोनों डेबिट हो गए. कैश तो सही था ना, कैश में कोई लोचा था ही नहीं. गड़बड़ किस में कर दी आपने? फर्नीचर में. फर्नीचर को क्रेडिट देने के बदले डेबिट दे दिया. तो फर्नीचर कैश टू डैश, रिवर्स इज डैश टू कैश टू फर्नीचर, एंड रेक्टिफाइड इज आई थिंक सस्पेंस टू फर्नीचर डबल अमाउंट 6,780. इज दैट राइट? 6,780. ओके, बढ़िया. Okay, furniture, suspense to furniture, 6780.
received a crossed check from Praveen and was posted to the debit of Praveen's account. What's the correct entry? Received a crossed check from Praveen. Bank to Praveen. It was debited to Praveen. Karna the credit, kar diya debit. So, Praveen bank to dash. Praveen bank to dash. Reverse dash to bank to Praveen. Rectified is suspense to Praveen, but what will be your amount? Suspense 9, to Praveen. 9,000. Suspense to Praveen would be 9,000. Okay. Double ho jayega. Cash paid to Firoz 2150 was posted twice to his account. What is the correct entry? Firoz to cash 2150. दो बारी आपने फिरोज में लिख दिया है. So what is the wrong part? Firoz to cash. Reverse dash cash to Firoz. And rectified is suspense to Firoz 2150. Suspense to Firoz 2150. Is that clear? Suspense to Firoz 2150. Purchase return book was cast short by 225. क्या होगा? Purchase return cast short तो Suspense to purchase returns. That's 225. Suspense to purchase returns. That's 225. Okay. Next one. 10th sum. इसमें suspense नहीं था. बोला था मैंने suspense बनाने में. नहीं बोला था ना. Without suspense ही बोला था. No suspense needed in these sums. 1, 10 and 12. 10th वाला भी देख लो. सस्पेंस ना बोला था तुमने. प्रैक्टिस एंट्रीज ही हैं. परचेज्ड मशीनरी ऑफ 25,000 फ्रॉम जयश्री ट्रेडर्स वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. व्हाट विल यू अज्यूम अबाउट द मशीनरी? पहले तो कैश पे की क्रेडिट पे? क्रेडिट पे. तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए मशीनरी टू जयश्री ट्रेडर्स. व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? Purchase to Jayashree Traders. Because you put it under purchase book. Purchase book में डालने से purchase, credit purchase की entry हो गई, right? So correct था machinery to Jayashree Traders, wrong है purchase to Jayashree Traders, reverse Jayashree Traders to purchase, rectified is machinery to purchase. Is that right? Machinery to purchase. That's your rectified entry. Then extension of building, 9500 were debited to repairs account. Correct entry होगी आपकी building to cash. Wrong entry होगी repairs to cash, reverse cash to repairs, rectified होगी building to repairs. Is that right? Building to repairs. Total of return outward book was undercast by 410. What is return outward book? Purchase returns. वो undercast हो गया है तो क्या हो जाएगा? Suspense to purchase returns 410. Received 825 from Suraj was wrongly debited to Suresh's account. Correct entry क्या होगी इसकी? Cash to Suraj is right. 825. गलत क्या कर दिया? It was debited to Suresh. Credit नहीं, debit. Suresh cash to dash. Perfect. Suresh cash to dash. ये लोचा मार दिया आपने. समझ में आ रही है बात? करना था सूरज भैया को क्रेडिट, कर दिया सुरेश भैया को डेबिट. कैश तो सही है, कैश में कोई दिक्कत नहीं है. Reverse it, you get it as cash Suresh to dash. Can you cancel out anything? So I can cancel out cash. No. Take a minute. Here reverse wala entry would be dash to Suresh to cash. And I can cancel out cash. I can cancel out cash. What am I left with? Suspense to Suresh to Suraj. Is this clear? Got this? Suspense to Suresh to Suraj. That's your rectified entry. Okay. Screen is visible, all of you clearly. Audible clearly. Next one. Received, okay, ये वाला हो गया अपना received वाला. उसके बाद है goods purchased from Bhumika 350 were recorded in return inwards book. वापस आपने book change कर दिया. Correct entry होनी चाहिए थी purchase to Bhumika. What is the wrong part? Sales return to Bhumika. Absolutely right. आपने return inward book में डाल दिया उसको. तो sales return to Bhumika. Reverse is Bhumika to sales return. Rectified is purchase to sales return. Is that right? Purchase to sales return आ रहा है. Purchase to sales returns.
purchase to sales returns is your rectified entry. ठीक है? Goods returned to Sunanda 500 were recorded in sales book. What is the correct entry for goods returned to Sunanda? It is Sunanda to purchase returns. And wrongly आपने डाल दिया उसको sales book में. तो Sunanda to sales हो गया. Reverse is sales to Sunanda and rectified is sales to purchase returns. Sales to purchase return. Rectified entry sales to purchase returns. Goods purchased from Manisha 800 were passed through sales book. Correct entry था purchase to Manisha. Wrong entry हो गया Manisha to sales. Reverse sales to Manisha and rectified would be purchase sales to Manisha. Is that right? Purchase sales to Manisha. Purchase sales to Manisha 800, 800, 1600. Khushi Doshi ji, are you getting that? कृपया ध्यान दीजिए. Purchase sales to Manisha 800, 800, 1600. Is this clear? All of you. So that was your 10th sum. 12th sum देख लो. Rent of 700 paid to Ravi debited to his personal account. Correct था. Rent to cash wrong है. Ravi to cash reverse cash to Ravi rectified rent to Ravi. Rectified is rent to Ravi. Rent to Ravi. Sold goods to Ramakant 580 has been entered in the purchase book as 850. What is the correct entry to Ramakant to sales? What is the wrong entry for this? Purchase to Ramakant. और दोनों में wrong है कि एक में wrong? एक में wrong है तो purchase to Ramakant to dash. No. दोनों में wrong है. Purchase book. High time this is boss. Read the word book. बुक में चेंज कर दिया मतलब दोनों रॉन्ग हो गया डेबिट और क्रेडिट. सुनाई दिया. करेक्ट था आपका रमाकांत टू सेल्स दैट वाज 580 बट रॉन्ग हो गया आपका परचेज टू रमाकांत 850 सॉरी रिवर्स इज रमाकांत टू परचेज 850 एंड व्हाट इज योर रेक्टिफाइड एंट्री इट वुड बी रमाकांत टू परचेज टू सेल्स रमाकांत में आएगा 1430 टू परचेज में आएगा 850 टू सेल्स में 580 इज दैट राइट रमाकांत टू परचेज टू सेल्स 1430 850 एंड 580 देखो बुक का ध्यान रखना बॉस बुक का ध्यान रखना बुक दिया है तो दोनों रॉन्ग है डेबिट क्रेडिट रिपेयर्स टू फर्नीचर 300 हैज बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट करेक्ट था रिपेयर्स टू कैश रॉन्ग है फर्नीचर टू कैश रिवर्स कैश टू फर्नीचर रेक्टिफाइड इज रिपेयर्स टू फर्नीचर Total of sales return book has been taken more by 120. Suspense to sales return hona chahiye 120. Is that right? Suspense to sales return 120. A check of... Before preparing trial balance. Before sorry. Before preparing trial balance tha. Yes. So can you write this entry suspense to sales returns? No. So on the credit side of sales return account, you have to write the note. On the credit side of sales return account, by error of casting 125, yeah, by error of commission 125. Is this clear? By error of casting, yeah, by error of commission 120 rupees, not 125, 120 rupees. Next one, check of 185 issued to Ashok has been wrongly entered in the cash column of the cash book. What is the correct entry for this? Ashok to bank और क्या गलत हो गया Ashok to cash आपने सिर्फ कॉलम चेंज किया है तो Ashok to bank का हो गया Ashok to cash cash कॉलम में डाल दिया रिवर्स इज कैश टू Ashok एंड rectified इज कैश टू बैंक इज योर rectified एंट्री 185 तो एक नोट आएगा फोर्थ वाले के लिए बाकी सब में एंट्रीज है इज दिस क्लियर ओनली वन नोट हाँ But since we are recording this in journal proper, yeah. should we not write a note for this also? Okay, it will be recorded in cash book because cash to bank contra. No. Rectified entries, jo bhi hote hai na, khali unrecorded wale hote hai na, that you enter in the actual subsidiary books. Otherwise, rectified wale, all you put it under journal proper only. And from there you post. Okay. So rectified wale ke liye books mention mat karo, individual books. Hota hai, few entries जैसे ये cash to bank go in cash book, unrecorded purchase goes in purchase book, unrecorded sales goes in sales book, but you don't have all these over here. So all rectified entries we assume here in JP. Okay.
That's it. Three sums. Any doubts? Anyone? Mahi, Harsh, last time now. More than 30 seconds, any video off will be out without warning. So, yeah. In the first one, the second question, what did you say for the correct, wrong, and rectified? First ka second one. Paid remuneration to Kapila, factory supervisor. Recorded in cash book, not posted in ledger book. Correct entry hona chahiye aapka. Supervisor salary to cash, 9,000. Wrong hoga dash to cash. Factory supervisor salary, supervisor salary, supervisor's remuneration. All are fine. Kya bola sir? I couldn't hear you, sorry. Factory supervisor salary, ya phir supervisor salary, ya supervisor's remuneration to cash. That is correct. Wrong entry is dash to cash. Ledger mein nahi likha. Cash book mein likha. Ledger mein nahi likha. Dash to cash. Reverse cash to dash and rectified is factory supervisor salary to suspense. Supervisor salary or factory supervisor salary to suspense. And sir, ye jo sum tha, usme agar suspense account likh diya wrong entry mein, dash ki jagah pe. Main tumko us din bhi bola tha, don't do suspense. But don't अरे वो ध्यान गया तो काट लेगा मार्च एनएमटी बाय में रॉन्ग रिवर्स करेक्ट एंट्री बोलता है तो उसमें रॉन्ग एंट्री पे ध्यान गया ना तो डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग एंट्री के वक्त कोई सस्पेंस नाम की चीज नहीं थी आपका सस्पेंस फॉर द फर्स्ट टाइम आया कभी ट्रायल बैलेंस बनने के वक्त तो रेक्टिफाइड एंट्री में ही खाली सस्पेंस यूज कर सकते हो आप उससे पहले वाले कोई एंट्री में सस्पेंस यूज नहीं करना ध्यान रखो इस चीज का ठीक है काफी स्टूडेंट्स का हो जाता है सिली मिस्टेक बट अगर चेक करते वक्त सीधा रेक्टिफाइड रेक्टिफाइड देख रहा है वो तो ठीक है इधर ध्यान चला गया रॉन्ग रिवर्स पे तो फोकट का आधा एक मार्क जाएगा सो बी अलर्ट ओके आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम सम नंबर ट्वेंटी थर्ड सम पे आ जाओ ड्रॉ कर लो ट्वेंटी थर्ड सम सस्पेंस देखो क्या दिया ट्रायल बैलेंस इंक्लूड्स एन आइटम ऑफ सस्पेंस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड सीधा सीधा दे दिया ट्रायल बैलेंस इंक्लूड्स एन आइटम ऑन द डेबिट साइड सो व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस सर विद सम ट्वेंटी थर्ड सम सम नंबर 23 What is the opening balance of suspense, guys? Debit. Sida sida de diya, it sits on debit side. So, debit balance. Okay. Suspense is having an opening debit balance. Wrong, reverse, correct on left hand side and rectified on right hand side. Twenty-third sum. Now, as I told you, this rectification chapter. Let me remove a few. I'll see people not listening.
तीर्थ आयुषी तीर्थ हो रहा व्हाट हैपेंड व्हाई इज योर सेकंड यू ऑक्स वायर क्यार नो गो तू चुनाती मरतो Now, 23rd sum, pay attention, 23rd sum. Rushil, 23rd sum. Sales day book has been overcast by 250 rupees. Sales day book has been overcast by 250 rupees. Kya hoga rectified entry straight? Sales to suspense. No wrong reverse. Correct entry. Sida sales to suspense. Sales to suspense. Sales to suspense. That is 250 rupees. Got that? Being sales book overcast. Now rectified. Sales book overcast, now rectified. Okay? Sales to suspects. Next one. Goods returned by Ram 75 has been posted to his personal account only. Tanay, can you tell me the correct entry? Goods returned by Ram. Tanay Shah. Yes, sir. Correct entry. Sales return to Ram. Sales return to Ram is correct. Okay, Hansika, can you tell me the wrong entry? Posted to his personal account only. Blank to Ram. Dash to Ram, blank to Ram, absolutely right. Okay, one-sided partial omission kar diya aapne. Reverse it, you get what? Ram to dash. Ye actually bhai ne bahut weird sa error kiya hai. Journal mein nahi karke seedha ledger mein ek hi account mein dala hai. Normally journal mein hota hai, phir ledger mein hota hai. Isne sirf ek hi account mein likha hai, personal account. Matlab sales return mein nahi hua. To journal mein kiya hi nahi, khali ledger mein dal ke aaya. To Ram Ram cut. You are left with what? Sales return to suspense. Sales return to suspense, that is 75. Okay, being sales returns not entered in sales return book, now rectified. Sales return not entered in sales return book, now rectified. Yeah, sales return posted only to personal account. Now rectified. Sales return posted only to personal account. Now rectified. Journal mein nahi dala, seedha ledger mein likh ke aa gaya. Next one. Goods of 160 returned to Ram, posted to his personal account only. Again, similar one. Vrushti, what is the correct entry? Goods of 160 returned to Ram. Yes, sir. Ram to purchase return. Ram to purchase return, absolutely right. Iska bhi wrong entry kya hoga, Viraj? What is the wrong entry? It was posted to his personal account only. Ram to dash. Wapas same locha mara hai. Sabko samajh mein aaya? Partial omission kar diya. Ram to dash. Reverse karo to milega dash to Ram. Can you cancel out anything? So Ram Ram cut, and you are left with sales. You are left with suspense to purchase return. Suspense to purchase returns 160. Suspense to purchase returns 160. Being purchase return posted only in personal account. Now rectified.
या परचेज रिटर्न नॉट एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक नाउ रेक्टिफाई परचेज रिटर्न नॉट एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक नाउ रेक्टिफाई या पोस्टेड ओनली टू पर्सनल अकाउंट नाउ रेक्टिफाई ओके नेक्स्ट वन देखो क्या दिया है Sakharam paid us a check of 95 has been posted to his account as 59. Just Shah, can you tell me the correct entry? Sakharam paid us a check of 95. Sakharam ne apne ko check diya. Just Shah. Cash to bank. No. Sorry. Kasak, can you tell me the correct entry? Sakharam gave us a check. Kasak, not audit. Sakharam to bank. No, wrong. Sir, can you hear me now? Yeah. Bank to Sakharam. Absolutely right. Bank to Sakharam. Sakharam ne apne ko check diya, bhaiya. Simple English hai. What you are doing? Humne check mila hai Sakharam se. Humne diya nahi hai usko check. Sakharam gave us a check. So, 95 rupees bank to Sakharam. That is the correct part. It was posted to his account as 59. Uski account mein 59 likha hai. Manan Shah, what is the wrong part? So, bank to Sakharam. Yeah, bank to Sakharam to dash. Locha kis mein mara hai to Sakharam mein. Bank to right hi hai. सखाराम में 59 लिख दिया तो ये 36 रुपीस का डैश आ गया आपका रिवर्स इट यू गेट सखाराम डैश टू बैंक व्हाट इज योर कैंसलेशन ओवर योर बैंक नलिफाइड सखाराम टू द एक्सटेंड ऑफ 59 गॉन सो व्हाट्स योर रेक्टिफाइड एंट्री आई थिंक इट इज सस्पेंस to Sakharam. Is that right? Suspense to Sakharam, 36 rupees. Correct? Eh? Suspense to Sakharam, 36 being check received from Sakharam. Check received from Sakharam, wrongly posted, now rectified. Check received from Sakharam, wrongly posted, now rectified. Check received from Sakharam, wrongly posted, now rectified. Getting that? Okay. Next one. $700 were due from K. Ashwin, written off as bad debts. You missed one. Paid check to Sardar 130 has been posted to his account only. Hitarth, what is the correct entry? Paid check to Sardar. Sir, the correct entry is Sardar to bank. Sardar to bank, absolutely right. 130 rupees. Sardar to bank, 130. Nemisha, what is the wrong entry? It has been posted to his account only. Bank to Sardar. No, posted to his account only. उसी के account में लिखा है Delisha. Delisha, what do you think the wrong entry for this? It was posted to his account only. Sakharam to bank. Sakharam नहीं है भाई Sardar वाला चलता है. What you are. Anyone? Sardar to dash. ये भी वापस उसने खाली सरदार में लिखा है कैश बुक में लिखा ही नहीं है ओके जर्नल में लिखे बिना खाली लेजर में पोस्ट करके आ गया ट्रायल बैलेंस तो लेजर की मदद से ही बनता है तो एक अकाउंट में लिखा एक में नहीं लिखा तो वन साइडेड एरर हो गया ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा रिवर्स करोगे तो आपको मिलेगा डैश टू सरदार
dash to Sardar. Can you cancel out anything? Sardar, Sardar gone. What are you left with? Suspense to bank. Suspense to bank, that is 130 rupees. Suspense to bank, that is 130. Being check paid to Sardar, posted only to personal account, now rectified. Posted only to personal account, now rectified. पर्सनल मतलब यहाँ पे ड्रॉइंग्स मत अज्यूम कर लेना. कोई कोई स्टूडेंट्स पर्सनल मतलब ड्रॉइंग्स कर लेते हैं. दिस इज नॉट ड्रॉइंग्स. यहाँ पे पर्सनल का मतलब होता है कि वहां सरदार पर्सनल है ना, वो उसके अकाउंट में आप लिखना भूल गए वैसा. नॉट पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट. परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज सेल्स. इसमें पार्टी का नाम मतलब पर्सनल अकाउंट. पार्टीज नेम मीन्स पर्सनल अकाउंट. ओके. Then, sorry, sixth one, discount allowed to Ajay, 300 was posted on the credit side of discount. Sir, you missed one more. Arre yaar. F wala, 700 were due from K. Ashwin and were written off as bad debts. Already bad debts ho chuka hai. Afterwards, the final dividend of 150 was received from his estate, has not been posted. Has not been posted. तो मुझे एक बात बताओ सोच के. Will answer this. हेतवी, हेतवी, what are we talking about right now? Bad debts or bad debts recovery? Bad debts recovered. Absolutely right. So can you tell me the correct entry for bad debts recovered? It should have been cash to bad debts recovered. एकदम correct. Correct entry होना चाहिए. Cash to bad debts recovered या cash to bad debts recovery. That is 150. Bad debt तो कब का हो चुका है. Bad debt का अभी कोई लेना देना नहीं है. Bad debt पहले हो चुका है कब का. We are not bothered about bad debt. Okay. So right now we are dealing with bad debts recovery. Cash to bad debts recovery. Okay. Samiksha, can you tell me the wrong part? It was not been posted. Not had not been posted. So, क्या होगा wrong? Sir, we will directly write the rectified entry. No, not been posted. So what will you assume? Kisme post nahi hua hai? Bad debts recovery. So cash to dash. Cash book to journal hai. Journal mein matlab cash account mein ho gaya automatically. Aisa diya hai ki not posted in cash book. Matlab cash book mein hi record nahi kiya. To fir alag baat hai. To complete omission. बट खाली इतना सा दिया है नॉट पोस्टेड मतलब बैड डेट्स रिकवरी में नहीं किया. कैश में हो गया है, बैड डेट्स रिकवरी में पोस्ट नहीं किया. ओके. नॉट पोस्टेड मतलब ऑलवेज द अदर अकाउंट. समझा क्यों कैश में सोचा, क्यों कैश में हो गया ऐसा सोचा आपने? क्यों ऐसे अज्यूम कर रहे हो कि कैश में हो गया है? जर्नल एज वेल एज लेजर. वो कैश बुक में किया मतलब कैश अकाउंट में साइमल्टेनियसली हो गया. नहीं बात. तो कैश टू बैड डेट्स रिकवरी का हो जाएगा कैश टू डैश. सॉरी माय रॉन्ग एंट्रीज. कैश टू डैश. बैड डेट्स रिकवरी में नहीं हुआ तो कैश टू डैश. रिवर्स इज डैश टू कैश. एन यू कैंसल आउट एनीथिंग. कैश कैश गॉन. सो वट आर यू लेफ्ट विथ? सस्पेंस टू बैड डेट्स रिकवरी. Suspense to bad debts recovery. Posting error. Okay. Posting error matlab one account. Being bad debts recovered. Not posted. Now rectified. Not posted. Now rectified. Bad debts recovery. Not posted. Now rectified. Next one. Discount allowed to Ajay. 300 was posted on the credit side of discount received account. Discount allowed to Ajay. Yashvi Gangar, what is the correct entry for discount allowed to Ajay? Ajay to discount allowed. Are you, are you, are you, are you? Discount allowed to Ajay. Expense che. Discount allowed to Ajay. That is your rectified. That is your correct entry. Discount allowed to Ajay, 300 rupees. Expense hai na, discount allowed. Expense bada, debtor ghata.
डेटर से कम पैसा आएगा, एसेट घटा. पूरा कैन यू टेल मी द रॉन्ग पार्ट, इट वॉज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. So sir, it will be discount or Ajay to discount received. Harsh Mehta, what do you think? Yes, sir. For this. Sir. Yes. Sir, can I say? Bolo. Dash to Ajay to discount received. Very correct. Absolutely right. क्यों ऐसा? क्योंकि Ajay is correct and we wrote discount received on credit side instead of debit. ऐसा क्यों सोचा तुमने? अजय के जगह भी तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता था. क्योंकि लाइक इट इज रिटन वाज पोस्टेड टू नहीं सॉरी वाज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड. यस देखो इसके लिए ना थोड़ा आपको क्या बोलते हैं एक सिक्स्थ सेंस यूज करना पड़ेगा. दिस टाइप ऑफ एरर नीड्स सिक्स्थ सेंस. ओके ये डिस्काउंट अलाउड का डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाना, इंटरेस्ट पेड का इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाना, रेंट पेड का रेंट रिसीव्ड हो जाना, तो थोड़ा ऐसा मतलब क्या बोलते हैं प्रैक्टिस के थ्रू आ जाएगा नैक के थ्रू गड़बड़ डिस्काउंट में हुई है ना कि अजय में. ठीक है तो कभी भी डिस्काउंट अलाउड का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो गड़बड़ डिस्काउंट में हुई है. आपको करना था डिस्काउंट अलाउड में टू अजय और अजय में बाय डिस्काउंट अलाउड. आपने अजय में लिखा बाय डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड में टू अजय नहीं लिखा, डिस्काउंट रिसीव्ड में लिख दिया बाय अजय. समझ में आ रहा है? तो डिस्काउंट अलाउड का डिस्काउंट रिसीव करना मतलब गड़बड़ इज इन डिस्काउंट अकाउंट नॉट इन अजय अकाउंट. इंटरेस्ट पेड का इंटरेस्ट रिसीव करना मतलब गड़बड़ इज इन इंटरेस्ट अकाउंट नॉट इन द अदर अकाउंट कैश और बैंक अकाउंट. सो ये थोड़ा नैक वाला एरर है, ये सीए में भी आता है, यहां पर भी आएगा, थोड़ा ध्यान रखना है डिस्काउंट वाला. ठीक है डिस्काउंट वाला अलाउड का रिसीव किया तो गड़बड़ इज इन डिस्काउंट नॉट इन अजय. यस रिवान सॉरी देयर विल बी टू एरर्स, वन विल बी द रॉन्ग अकाउंट एंड वन विल बी रॉन्ग साइड. हां रॉन्ग अकाउंट एंड रॉन्ग साइड टू एरर्स ऑफ कमीशन. यस बट ये समझ में आया आपको अजय सही है ऐसा ही अज्यूम करना. लोचा मारा है अपने डिस्काउंट अलाउड का डिस्काउंट रिसीव. ठीक है ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा एरर और उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि दिस एंट्री गोज इन जर्नल प्रॉपर तो दोनों में मिस्टेक हो सकता है. अज्यूम करना है कि डिस्काउंट अलाउड की जगह डिस्काउंट रिसीव हुआ है. अजय इज करेक्ट. रिवर्स यू गेट इट एज डिस्काउंट रिसीव्ड अजय टू डैश. कैन यू कैंसल आउट एनीथिंग अजय अजय. सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव्ड टू सस्पेंस. डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव टू सस्पेंस 300 600 बीइंग डिस्काउंट अलाउड रॉन्गली पोस्टेड टू डिस्काउंट रिसीव नाउ रेक्टिफाई. तो कभी भी याद रखना इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट रिसीव, रेंट पेड रेंट रिसीव, कमीशन पेड कमीशन रिसीव, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव. तो यही अकाउंट्स में लोचा मारा है. द अदर अकाउंट इज राइट. सी द नेक्स्ट वन इट इज सिमिलर. वुड यू लाइक टू ट्राई क्रिशा? डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम 170 वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड. व्हाट इज द करेक्ट एंट्री फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड? पहले व्हाट इज द करेक्ट एंट्री फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड? सोचो क्रिश. ओके स्नेहा मेहता व्हाट इज द करेक्ट एंट्री फॉर डिस्काउंट रिसीव?
राम टू डिस्काउंट रिसीव. वेरी गुड, एकदम करेक्ट है. राम टू डिस्काउंट रिसीव. क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव. क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव 170. इट वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड. इशिका, कैन यू टेल मी द रॉन्ग एंट्री फॉर दिस? Ishika, similar one. It would be similar one. Ram discount allowed process to dash. Sorry, repeat. Ram discount allowed to dash. Ram discount allowed to dash. Did you all get this? The knack, the same thing. Discount received ka discount allowed hua hai aap. Ram sahi hai. Ram mein koi lagadbad nahi hai. Reverse karoge, you get dash. To discount allowed to Ram. Dash to discount allowed to Ram. Can you cancel out anything? Ram, Ram cut. And rectified entry banegi aapki suspense to discount allowed to discount receive. Suspense to discount allowed to discount receive. Being discount received wrongly debited to discount allowed, now rectified. Did you get this? All of you? Similar lines pe tha. Ek mein discount allowed ka discount received, and ek mein discount received ka discount allowed. This is not change in book na bhai, Dharmil. Ye change in book ka hai? Posting error hai. Ledger ka hai na? Book change ho jayega to dono account hi wrong hai. No doubt. बुक चेंज कर दिया, परचेज बुक में डाल दिया तो परचेज टू राम हो जाएगा. सेल्स बुक में डाल दिया तो राम टू सेल्स हो जाएगा. बुक चेंज कर दिया तो एंटायर एंट्री वुड बी ऑफ दैट. पोस्टिंग एरर है तो फिर अपने को पकड़ने का कि भाई डिस्काउंट में लोचा मार, नॉट इन राम. बना लो सस्पेंस, देखो तो टैली हो रहा है क्या. प्लीज मेक द सस्पेंस अकाउंट. व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस बाय द वे? बैलेंस बीडी 109 है ना. सो टू बैलेंस बीडी इट इज 109. देखते जाओ अभी क्या क्या है आपके पास. सेल्स टू सस्पेंस है 250, तो इधर आएगा बाय सेल्स. देन सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस है तो इधर आएगा बाय सेल्स रिटर्न्स. Then suspense to purchase returns है 160. Suspense में to purchase returns. Suspense to Sakharam 36. तो to Sakharam. Sir Thaiche 925 पर. 36 Thaiche तो ही है. हाँ. Then suspense to bank, तो to bank it is 130. Then suspense to bad debts recovery, so to bad debts recovery it is 150. Then aur kya hai, discount allowed discount received to suspense, so buy discount allowed buy discount received that's 300. Suspense to discount allowed to discount receive that is 170. इतने पे हो रहा है बोला 336. 925. दोनों साइड चेक कर लो. 925 आना चाहिए. 343, 94, 95, 96, 26, 27, 28, 29, 925. Perfect. 925 tallies, check. Okay, तो star mark करना important sum था, sum number 23. अभी sum number 23 के बाद, तो sum number 23. Can you tell me guys, we have done sum number. Ninth sum kiya hai humne. Ninth sum nahi kiya hai na humne. Chalo ninth sum karo, kuch se try karo sab log.
नाइन्थ सम कुछ से ट्राई करो, कम ऑन. नरेशंस मत लिखो चलेगा. आर यू ऑल कंफर्टेबल विद नरेशंस? ओके, सो एंड सो एरर नाउ रेक्टिफाइड. ओन वर्ड्स यू कैन राइट. स्किप द नरेशन, डू नाइन्थ सम फटाफट. रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफाइड. 10 मिनट में करो. Ninth sum, do it fast. Ninth sum, karo fatafat. This topic is very important, especially for CA people. जो आप planning to do CA, मैंने बोला था तभी भी 10 mark का weightage है. हर एक paper में आता ही है foundation में 10 mark का. और इधर आपने जितना अच्छे से किया rectification, आपका काम इतना ही easy हो जाए. आपने imagine करो, समझ लो 80% rectification आपने कर लिया है CA foundation का, 85%. Even BRS, 80-85% आपने कर लिया. तो आपका 20 मार्क्स CA फाउंडेशन का ऑलरेडी सिक्योर्ड है. सर नाइन्थ सम, नाइन्थ सम करने को बोला मैंने कि नाइन्थ सम. अंशिका जी ध्यान से कीजिए. तुम लोग को मोबाइल देखने का ना तो पोकर फेस पकड़ो. मोबाइल देख के ऐसा स्माइल लेता है, मेरे को 2 मिनट में पता चल जाता है मोबाइल में पड़ा है. खुशी, हंसिका, नीनाद, इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल रख के बैठने का भाई, सम करने का. सर ने बोला पोकर फेस रखो तो मोबाइल ही देखते रहे. पहला वाला क्या अज्यूम करोगे, कौन से अकाउंट में 80 रुपीज लिखा है आपने? ऑडिट. ऑडिट फीस में कि कैश में? ऑडिट फीस. ऑडिट फीस. क्यों ऐसा? पोस्टेड इन द लेजर. पोस्टेड इन द लेजर मतलब लफड़ा ऑडिट फीस में किया, कैश में नहीं है. बात समझ आई?
Viralisha entries. Virali. Getting the entries, Virali. Don't get anything, please ask. Ask and do. Don't just blindly copy. Sir, see, Sinus wow, sir. Third one. Amount of 3900 payable to supplier was not taken in the list of creditor. Bataya tha yaad hai, list mein nahi liya, list mein do bari le liya. What type of error? Sir, casting error. Casting error it is. Okay. The list mein nahi liya, list mein do bari le liya, that's casting error. So, इसको नहीं लिया ना लिस्ट में तो अंडरकास्ट हो गया है, सो इट विल बी सस्पेंस टू क्रेडिट. लिस्ट में नहीं लिया, लिस्ट में लेने की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, तो नो रॉन्ग नो राइट नो रिवर्स, सीधा रेक्टिफाइड. सस्पेंस टू क्रेडिटर, ब्रैकेट में नाम दिया तो नाम लिख देना, तो इधर सस्पेंस टू क्रेडिटर 3900. लिस्ट में नहीं लिया तो अंडरकास्ट, दो बारी ले लिया तो ओवरकास्ट. कुशाग्र getting it, Kushagra. चलो हो गया सम, करो डिस्कस. हेलो ना सर, बेबिनेट कार्तिक को आ रहा है. कार्तिक आर्यन from Thursday I'll be starting with new topic, depreciation. Again, online, offline together. Okay. All of you have taken first dose. सबका हो गया वैक्सीन का फर्स्ट डोज? नो नो भाई. अश्विन डेयर डेविल फर्स्ट डोज एटलीस्ट ले लो, ऑफलाइन भी आना हो तो आ सकते हो. वॉक इन है अभी तो सब जगह मिलता है वॉक इन, राजावाड़ी में भी मिलता है वॉक इन.
चलो कर रहा हूँ डिस्कस, ठीक है? थर्व कवा रहा है, थर्व चलो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट वन, ऑडिट फीस ऑफ 800 पोस्टेड इन द लेजर एज 80 रुपीज. खुशी दोषी, टेल मी द करेक्ट एंट्री. विल बी ऑडिट फीस टू कैश. ओके परफेक्ट. टेल मी द रॉन्ग एंट्री. या ऑडिट फीस डैश टू कैश. देन ऑडिट फीस में हाउ मच विल राइट? Yeah, audit fees, I'll write 80. Then it will be... Dash mein 720. 80, 720 and then 800. Reverse it, you get cash to dash to audit fees. Dash to audit fees. That's a rectified. Yeah, audit fees to suspense account. How much? 720. Did you all get this? Audit fees to suspense 720. Audit fees to suspense 720. Any doubt? गड़बड़ वॉज इन ऑडिट फीस, पोस्टिंग एरर. ठीक है, दूसरा अकाउंट राइट था. ओके बहुत बढ़िया. निनाद टेल मी द सेकेंड वन. डिस्काउंट अलाउड 280 डेबिटेड ट्वाइस टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. व्हाट इज द करेक्ट? डिस्काउंट अलाउड टू कैश इज द करेक्ट. व्हाट्स द करेक्ट एंट्री? डिस्काउंट अलाउड टू कैश. रॉन्ग. What is the wrong part over here? Kavya, would you like to answer? What is the correct entry? Kavya? Sir, discount allowed to cash. Wrong. Sir? What is the mistake, guys? Come on. Sir, double debited. The correct entry kya hona chahiye? Discount allowed to debtor. Discount allowed is a non-cash expense. Come on. Discount allowed is a non-cash expense. Kabhi cash nahi jata uske against. Discount allowed matlab debtor aapko kam paisa deta hai. To debtor ghatta hai. कैश नहीं घटता, डेटर घटता है एज एन एसेट. डिस्काउंट अलाउड टू डेटर इज द करेक्ट एंट्री. दैट इज हाउ मच? 280. व्हाट इज द रॉन्ग पार्ट तीर्थ? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 560. रॉन्ग. ये तो ये दूसरा मिस्टेक कर दिया अभी. डिस्काउंट अलाउड टू डैश टू डेटर. हाँ देखो, मैं लिख अलाउड वुड बी ट्वाइस. लिख रहा हूँ यहाँ पे. करेक्ट एंट्री होगी आपकी डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 280. गड़बड़ किस में की है? दोनों में कि खाली डिस्काउंट अलाउड? खाली डिस्काउंट अलाउड. लोचा मारा है खाली डिस्काउंट अलाउड में आप. तो डिस्काउंट अलाउड में आपने पोस्टेड ट्वाइस इन डिस्काउंट अलाउड दिया है. तो ये 560 हो गया. ये डेटर बराबर ही है 280 और ये डैश 280. रिवर्स इट, यू गेट व्हाट? डैश डेटर टू डिस्काउंट अलाउड. This is 280, 280, 560. Can you cancel out anything? Debtor gone. Discount to be 280 se gaya. To bachega kya? Suspense to discount allowed. Suspense to discount allowed 280. Is this clear? Suspense to discount allowed 280. Got it. So, gadbad was only in discount allowed, not in debtor. Amount of 3,900 payable to supplier was not taken in the list of creditor. ये मैंने discuss किया था अभी. Creditor को list में ना लेना मतलब वो क्या हो गया actually? Casting error है. Undercast हो गया. It is suspense to creditors. Suspense to creditor. Okay. Suspense to creditor 3,900. Discount received 250. Credited twice to discount received account. रहना जी बताइए correct entry.
Creditor to discount received. Creditor to discount received. That is absolutely right. Did you all get this? Can it be cash to discount received by any chance? No, non-cash. No, non-cash income. Just like discount allowed, discount received is also non-cash. Harsh Mehta ko samajh raha hai? So yes, Rehna, correct is creditor to discount received. What is the wrong part? Creditor dash to discount received. Creditor dash to discount received. Sabko samajh mein aaya? Sir, third wale ka answer kya hai? Third wale ka answer hai, suspense to creditor, 3900. Creditor undercast ho gaya. Suspense to creditor. Yes, correct entry tha aapka. Fourth wale ka correct entry tha. Creditor to discount received. Wrong entry mein, discount received mein do baar likha hai. So creditor dash to discount received. Reverse karo, you get discount received to dash to creditor. What's your rectified entry, Rehna? Discount received to suspense 250. Discount received to suspense 250. Discount received to suspense 250. Absolutely right. मिला ये ऊपर वाला जैसे discount allowed का मैंने बताया ना वैसे ही discount received का है मेरा रिमेज था पूरा. Got that? Ashna, tell me the next one. Check issued to Nisha 2200 has been recorded on the receipt side of the cash book in the bank column. Bank column. पहले तो correct entry क्या होगा? Check issued to Nisha to bank. Nisha to bank. Did you all get that? Nisha to bank. Nisha to bank was the correct entry. Yes, Ashna, what is the wrong part? Sir, I'm not sure, but it will be bank Nisha to dash. No. What is the wrong entry? Anyone? Bank to Nisha. Why bank to Nisha? Because receipt side mein bank. Journal mein change kar diya. Receipt का payment, payment का receipt, जैसे purchase का sale, sales का purchase, पूरा entry will become उल्टा. Cash book में receipt का payment, payment का receipt कर दिया, तो full entry will become उल्टा. So करना था Nisha to bank, correct entry था Nisha to bank. What is the wrong entry? Bank to Nisha. Reverse is again Nisha to bank and rectified is also Nisha to bank. Rectified भी आपको Nisha to bank ही मिलेगा, but the amount would be 4,400. Amount should be 4,400. Is this clear? Amount would be 4,400. जब भी receipt का payment, payment का receipt होता है, full entry उल्टा. Lockic भैया. Next one. Balance of commission received line 35 was taken twice into trial balance. Oh, इसका entry नहीं रहेगा शायद तो direct suspense to commission received आएगा क्योंकि एंट्री नहीं रहेगा वो तो परफेक्ट है कास्टिंग एरर है बट व्हाट इज योर रेक्टिफाइड एंट्री एक सेकंड नाइन हाँ सस्पेंस टू कमीशन रिसीव्ड ट्रायल बैलेंस में दो बार ही ले लिया है तो ओवरकास्ट है ना हाँ किसके बारे में बात चालू है फिलहाल बैड डेट रिकवरी वेरी गुड व्हाट इज द करेक्ट एंट्री कैश टू बैड डेट रिकवरी 1450 परफेक्ट Wrong entry is cash to debtor 1450. Very good. Reverse is debtor to cash 1450. Perfect. And rectified is debtor to bad debt recovery account 1450. Perfect. Debtor to bad debts recovery 1450. Ekdam sahi jawab. Ekdam sahi jawab. Ekdam sahi jawab. Bahut badhiya. Next one. Aajao sum number 31 pe. Sum number 31 ले लो सब लोग. There are 17 entries in the sum. Okay, थोड़ा सा बड़ा सम है. Sum number 31. चलो come on शुरू करो. Giving you 20 minutes. Sum number 31. Sum number 31 खुद से करो. Sum number 31. It's like a revision of all the entries we have done. Sum number 31.
उसमें सस्पेंस नहीं बनाना है, इसमें भी नहीं, प्रीवियस सम में नहीं बनाना है, इसमें करना है मैं बताऊंगा। नाइन्थ वाले में सस्पेंस नहीं करना है, 31st सम करो, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफाइड, नहीं समझ में आया तो पूछ पूछ के करो, दिमाग लगाओ अपना, कम ऑन, राइट, सम नंबर 31। Can we skip narrations? Yes, skip narrations, absolutely fine. एंट्रीज मेरे को चाहिए परफेक्ट, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफाइड, नहीं आ रहा है तो पूछ पूछ के करो। 31st सम 20 मिनट्स, उसके बाद एक छोटू सा सम है एंड देन वी वाइंड अप। सम नंबर 31, कम ऑन, इट्स अ चैलेंज टू गेट ऑल 17 एंट्रीज करेक्ट, लेट्स सी। चैलेंज मतलब डोंट कॉपी, टेल मी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, आस्क एंड डू, आस्क एंड डू, आस्क एंड डू। एंड ऑल द वीआईपीज इन द हाउस, तो वीआईपीज बोला तो सीधा वीडियो ऑन कर दिया, मतलब तुम लोग सब अपने आप को वीआईपी समझ रहे। Sir, but added short means undercast. Yes, added short means undercast. Okay. Over added means overcast. Added short means undercast. Sir, trade expense account means that sundry or? Trade expense ke liye you can use trade. It is like sundry, but you can use trade expense. Trade, miscellaneous, sundry, general are all one and the same. You can use the same heads, trade expense. No, trade expense के लिए trade expense, don't use purchase account. Trade expense is like general sundry expense, छोटू छोटू, चिंटू चिंटू.
सर ट्रेड एक्सपेंस मेटे सेंडरी अकाउंट अब रहे तो चल रहे हैं सेंडरी एक्सपेंस भी लिख सकते हो या ट्रेड एक्सपेंस सेम हेड भी लिख सकते हो ओके सर सर नरेशन स्किप करो जो हाँ नरेशन नहीं लग पानी यार नाच पाए जो स्किप द नरेशन इट्स फाइन सर फिफ्थ वाले में वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक है तो मतलब नॉट नो एंड किया ही नहीं एंट्री किया ही नहीं कंप्लीट ओमिशन सर इन द थर्ड वन इट इज गिवन अस मनी विथड्रॉन एंड द नेम ऑफ द ओनर इज नॉट गिवन सो वी कैन कंसीडर ड्रॉइंग ओनर का नाम ही जयती है भाई हम ही जयती है वी आर जयती जयती के बुक्स में लिखा है यार जयती लोग जयती सर एथ वालों कास्टिंग एरर से ना यस एथ वाला इज कास्टिंग एरर एब्सोल्युटली राइट कैरीड फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस टेकन इन ट्रायल बैलेंस नॉट टेकन इन ट्रायल बैलेंस टेकन ट्वाइस इन ट्रायल बैलेंस सब कास्टिंग एरर
Sir, what will be the answer for the fourth one? What will be the entry for the fourth one? Correct tha cash to Shobha. उसके डेबिट में पोस्ट कर दिया शोभा के गड़बड़ शोभा में है शोभा कैश टू डैश समझा सर या सर टेंथ वाड़ा में wrong entry so house sir drawings to purchase house sir nahi yes. Right correct entry drawings to purchase house sir ha drawings to purchase ya drawings to goods withdrawn for postman ane wrong entry drawings to sales drawings to sales barabar भानुशाली कर रहे हो कि नहीं एंट्री हाँ हाँ Getting the entries. Arnav ko aa raha hai, Arnav Kundar. Sorry. Yes, sir. Sorry? Yes, sir. Yes, sir. Aa raha hai, okay. Sorry, eighth one. Eighth one. Eighth one mein dekho kya diya hai. Cash balance carried forward. Balance carried forward bhi koi journal entry hoti hai? Nahi hoti na? कौन सा टाइप का एरर हुआ कास्टिंग एरर बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड दैट्स कास्टिंग एरर सोचो अभी सर
बोलो एडेड मोर मींस ओवरकास्ट ओवरकास्ट यस एडेड मोर मींस ओवर सर या 12th मा रॉन्ग एंट्री फर्नीचर टू कैश हाउस है ना 12th मा रॉन्ग एंट्री सेल ऑफ फर्नीचर यस सेल ऑफ फर्नीचर कैश टू फर्नीचर रॉन्ग एंट्री ड्रॉइंग्स टू सेल्स करेक्ट इज ड्रॉइंग्स टू परचेज या फिर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज रॉन्ग इज ड्रॉइंग्स टू सेल्स सिद्धि कौर है सिद्धि यशवी भानुशाली गेटिंग इट लास्ट लेक्चर का हो गया कंप्लीट हो गया कुशाग्र का सर 10th में करेक्ट एंट्री शो ड्रॉइंग्स टू परचेज गुड्स विड्रॉन है ना ड्रॉइंग्स टू परचेज या फिर ड्रॉइंग्स टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल ड्रॉइंग्स टू परचेज या ड्रॉइंग्स टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज दैट इज करेक्ट Wrong would be drawings to sales. Sales को credit कर दिया. Sir, in the 14th one, what do you mean by with gross figure? Gross figure means with discount, inclusive of discount. Discount minus किए बिना. That's gross. अरे मेघ दोषी एंट्रीज काव्या फिनिश्ड लास्ट वन
करो डिस्कस एंट्रीज सर. ट्वेल्थ सम ट्वेल्थ कर रहे हो? करो करो बोलो आंसर. ट्वेल्थ का कैश फर्नीचर 2- हाउस में रॉन्ग एंट्री. हाँ 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 बराबर. कैश फर्नीचर 2- सर 14th नहीं रॉन्ग एंट्री श्रीकांत तो कैश हाउस है 3000. 14th नहीं रॉन्ग एंट्री श्रीकांत टू कैश 3000 एकदम करेक्ट. एब्सोल्युटली राइट. श्रीकांत टू कैश 3000 परफेक्ट. Rodan? हाँ सर अभी 15 सम पर 15 16 17 तो छोटे हैं डालो. Fourteenth का rectified entry would be cash discount allowed to Shrikant. 5,900, 106,000. Absolutely right. Correct. भैया करते हैं डिस्कस. सर 17th वाला नहीं रॉन्ग एंट्री सोर्स. अरे अभी अभी तो किया. ट्रायल बैलेंस में नहीं लेना. ट्रायल बैलेंस में दो बार ही ले लेना. व्हाट टाइप ऑफ एरर? कास्टिंग. व्हाट मैन गजनी अभी कम. सर 14th ले रॉन्ग एंट्री सुना. 14th की रॉन्ग एंट्री. सोचो सोचो पेमेंट में डाल दिया. रिसीट का पेमेंट कर दिया तो पूरा एंट्री उल्टा हो जाएगा ना. तो इट विल बी श्रीकांत टू कैश और उसको भी ग्रॉस अमाउंट लिख दिया. ग्रॉस मतलब विद डिस्काउंट. श्रीकांत टू कैश 3000. श्रीकांत टू कैश 3000.
Shrikant to cash 3000. We're discussing now. Check. The first one. Okay. We'll answer the first one. Total of discount received for the month of March has been added short by 69. Dhruv Bhanushali, first one. Yes, sir. It's in casting error, so directly rectified into the suspense account to discount received account. Absolutely right. 69. Suspense to discount received 69. All of you got that? But yeah. Vihan said, cost of two chairs, two tables, 972 was debited to trade expense. What is the correct entry? Correct entry, furniture to cash, 972. Wrong entry, trade expense to cash, 972. Reverse cash to trade expense, 972. Rectified furniture account debit to trade expense account, 972. Furniture to trade expense, 972. Mila? Third one. Make Doshi, 720 withdrawn for personal use by Jayati was debited to sundry expense. Correct. Points to cash. Wrong. 720. SE to cash, 720. Cash to SC, 720. And rectified drawings to SC. Drawings to, acha, sundry expense. Yaar, pura to bol, bolne mein bhi kanjusi karta hai. Drawings to sundry expense or drawings to trade expense. Okay, 720. That's your rectified entry. All of you got that? 1, 2, 3, any doubts? Fourth one. Lokik. Rupees 100 received from Shobha was posted to the debit of her account. Cash to Shobha. The wrong is Shobha cash to dash. Right. Dash to cash to Shobha. Correct. And suspense to Shobha 200. Suspense to Shobha 200. Absolutely right. Very good. Dhruv Gatalia, next one. Sales return of 100 from Yogesh, not recorded in the books. Correct entry? Sales return to Yogesh. Huh. Wrong entry, dash to Yogesh. Nine. So there will be no wrong entry. No wrong entry. Recorded that you direct rectify also. No wrong, no reverse. The rectified would be same as correct. Sales return to Yogesh. Books may need a complete omission. योगेश में पोस्ट नहीं किया होता तो एक साइड वाला होता, ये तो कंप्लीट ओमिशन. द सेल्स रिटर्न टू योगेश इटसेल्फ इज रेक्टिफाइड. ओके, नेक्स्ट वन. प्रहलाद, परचेज बुक टोटल, सॉरी, गुड्स अमाउंटिंग टू 1240 सोल्ड टू नारायण एंटर्ड करेक्टली इन द सेल्स बुक बट वेर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 520. प्रहलाद, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? सर नारायण टू सेल्स 1240. बराबर, दैट्स करेक्ट. Then wrong entry, Narayan dash to sales. Narayan dash to sales, ekdam sahi jawab. Then 520, 720 and then 1240. Ekdam correct. Reverse is sales to dash to Narayan. Perfect. Narayan 1240. Perfect. And then 1240, 720, 520. Then the rectified entry is Narayan to suspense 720. Narayan to suspense 720. Mila sabko Narayan to suspense 720. Narayan, yes. Narayan. Ekdam correct. सेवेंथ वन कौन बोलेगा? हितार्थ बोलेगा. परचेज बुक टोटल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एडेड मोर बाय 100. सर देयर विल बी नो रॉन्ग रिवर्स एंड करेक्ट. रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 100. सस्पेंस टू परचेज 100 रुपीज, एकदम करेक्ट. एट्थ वन मीत पांचमिया बोलेगा. कैश बैलेंस एज पर कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ मे 1500 कैरीड फॉरवर्ड इन जून एज 500. It was a casting error, so there will be rectified cash to suspense 1000. How much? 1000, ekdam correct. Cash to suspense 1000. Did you all get that? Casting error tha bhaiya, 1500 ka 500 kar diya aapne, so that is casting error. So cash to suspense badhana hai. Okay, Kashish ji, next one.
क्या है? रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट बाय 50 रुपीज. रिटर्न इनवर्ड छे सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न सॉरी सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न दैट्स 50 रुपीज. इज दिस क्लियर. नेक्स्ट वन हर्षिल भानुशाली बोलेगा goods withdrawn by proprietor 2000 were credited to sales account. What is the correct entry? Drawings to goods 2000. Goods withdrawn for personal use. Pura likho. Goods withdrawn for personal use. Baad mein wrong entry hai. Drawings to sales account 2000. And sales to drawing reverse ho gaya. Aur phir drawing cut to sales to goods withdrawn for personal use. Perfect. Sales to goods withdrawn for personal use. Sales to goods withdrawn for personal use. That is 2000. That's your rectified entry. Is that clear? Sir, purchase chale. Purchase pan chale. Sale to purchase. They are sale to goods withdrawn for personal use. Both are fine. Absolutely right. And ninth ka answer kya? Ninth ka answer. Suspense to sales returns. 50 rupees. Return inward matlab sales return. Sales return overcast. Suspense to sales return. 50 rupees. Priyal Patel. 10th one ho gaya, 11th one. Wages of 230 posted to wages twice. What is the correct entry? Wages to cash 230. Wrong entry. Wages account 462 dash to cash account. Perfect. Then? Reverse entry cash account 230 dash 230 to wages account 460. Then? Rectified entry suspense account to wages account 230. Suspense to wages 230. Is that clear? Suspense to wages 230. Absolutely right. Jill Kothari, the next one. A sale of furniture for cash 2750. Correctly entered in the cash book, but was debited to furniture account in the ledger. Jill Kothari. Cash to furniture. Yes, that's correct. Wrong furniture cash to dash. Furniture cash to dash. Barabar. Reverse dash to furniture to cash. Perfect. And rectified suspense to furniture account. Suspense to furniture 2750. Suspense to furniture. Sorry. 5500. My bad. Suspense to furniture 5500. Jill ko mila 5500. बहुत बढ़िया सिद्धि ठक्कर द नेक्स्ट वन टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड फॉर नवंबर 475 वाज कैरीड फॉरवर्ड एज 574 सो द रेक्टिफाइड एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट टू परचेस अकाउंट परचेस नहीं है रिटर्न आउटवर्ड है परचेस रिटर्न से वो रिटर्न आउटवर्ड है वाज कैरीड फॉरवर्ड एज 475 was carried forward as 574. So, क्या हो गया? Overcast के अंदर. Purchase returns to suspense. हाँ, purchase return to suspense. How much? 99. Purchase return to suspense 99. Got that? Veda Rane. Next one. An amount of 2900 received in full settlement of 3000 from Shrikant entered on the payment side of the cash book with gross figures. Cash 2900, discount allowed 100 to Shrikant 3000. Perfect. Then wrong is Shrikant 3000 to cash 3000. Perfect. Reverse cash to Shrikant 3000. Perfect. Rectified cash, discount allowed to Shrikant, cash 5900. Yes. Discount allowed 100, Shrikant 6000. Perfect. Ekdam sahi jawab. Sabko samajh aaya ye? Correct entry mein discount allowed aayega. Cash discount allowed to Shrikant. ओके 2900 100 एंड 3000 रॉन्ग एंट्री क्या होगी पेमेंट कर दी लेकिन पेमेंट में भी ग्रॉस फिगर व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस डिस्काउंट इंक्लूड नॉट इंक्लूड करके तो श्रीकांत टू कैश हो गया श्रीकांत टू कैश 3000 देन कैश टू श्रीकांत एंड देन कैश डिस्काउंट टू श्रीकांत 5900 100 एंड 6000 एकदम सही जवाब 15th वन कौन बोलेगा रितिका जी बताइए क्रेडिट सेल ऑफ 575 टू मनोहर वाज डेबिटेड टू मोहिंदर Manohar to 575. Kushagra.
ट्रायल बैलेंस में ना लेना मतलब कास्टिंग एरर व्हाट इज योर रेक्टिफाइड एंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं लिया क्या हो गया धीर भानुशाली सर अरुण अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट वेरी गुड अरुण ब्रैकेट में डेटर्स मेंशन करना सब लोग अरुण ब्रैकेट में डेटर्स टू सस्पेंस इज अ डेटर सो डेटर अंडर कास्ट हो गया अरुण ब्रैकेट में डेटर्स किसका 14 नो कैश डिस्काउंट अलाउड टू श्रीकांत कैश में 5900 डिस्काउंट अलाउड 100 टू श्रीकांत में 6000 ट्रायल बैलेंस दो बार ही ले लिया आवाज नहीं आवतू सम प्रॉब्लम इन माइक में भी वैभवी Tell me the rectified entry. Suspense to creditor. Galat jawab. Karthik Ayyar. Creditor to suspense. Dekho locha mara hai. Kya locha mara hai? Trial balance mein nahi liya hota, to it would have been undercasted. To suspense to creditor aata. Yahan par kya diya? Padho dhyan se sab log. It was taken twice. In the trial balance. मतलब क्या undercast हो गया कि overcast हो गया? Hello. Overcast हो गया. Entry क्या हो गया आपकी? Creditor to suspense. Creditor to suspense. Okay. Creditor to suspense 650. Creditor to suspense. कम करना है creditor. Last sum for the day. Sum number 33. Draw कर लो. No narration. Wrong reverse. Correct rectified. Sum number 33. Last sum, wrong reverse correct rectified. Sir, narration skip na? Skip narrations. Wrong reverse correct and rectified. Sir, padu ek baar samjhao na. Which one? 14th one. 14th one. 14th one mein kya diya tha? देखो श्रीकांत से आपको मिले थे 2900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 3000 बराबर करेक्ट एंट्री आया होगा आपको व्हाट इज द करेक्ट एंट्री कैश डिस्काउंट अलाउड टू श्रीकांत बराबर छे હવે આને આપણે કરી નાખ્યું પેમેન્ટ સાઇડ પર સો વેન યુ ચેન્જ ધ સાઇડ ઇન કેશ બુક ઇઝ અ જર્નલ ના સો વેન યુ ચેન્જ ધ સાઇડ ઇન ધ કેશ બુક ધ એન્ટાયર એન્ટ્રી વિલ બીકમ ઉલ્ટા તો કેશ ડિસ્કાઉન્ટ ટુ શ્રીકાંત કા વૈસે હોના ચાહીએ થા શ્રીકાંત ટુ કેશ ટુ ડિસ્કાઉન્ટ લેકિન उधर क्या दिया है वी एंटर्ड विथ ग्रॉस फिगर ऑन द पेमेंट साइड ग्रॉस फिगर का मतलब क्या डिस्काउंट नहीं लिया हाँ आपका ये कैश बुक है ना ये कैश बुक है तो ये कैश कॉलम ये बैंक कॉलम ये कैश कॉलम ये बैंक आपको लिखना था यहाँ पे टू श्रीकांत कैश में 2900 और डिस्काउंट में 100 वो डिस्काउंट जाता जेपी में आपने लिख दिया बाय श्रीकांत 3000 ऐसा ग्रॉस फिगर लिख तो एंट्री क्या बनी आपकी श्रीकांत टू कैश 3000 समझा कर रहा हूँ मैं साथ में करो सम नंबर 33 हाँ ये सम का सस्पेंस होमवर्क है 31 जो बड़ा राक्षस किया ना अभी तुमने उसका सस्पेंस अकाउंट होमवर्क है ठीक है ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया आपको पता है कैसे करने का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया तो क्या करोगे हाँ लीव द फर्स्ट लाइन ब्लैंक गाइज लीव द फर्स्ट लाइन ब्लैंक नॉट द लास्ट लाइन ओपनिंग बैलेंस किधर दिखता है फर्स्ट लाइन पे दिखता है पहला लाइन ब्लैंक छोड़ देने का पोस्ट करने का जो भी डिफरेंस है वो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी ठीक है सस्पेंस अकाउंट इज फॉर होमवर्क सस्पेंस अकाउंट इज फॉर होमवर्क हु गॉट ऑल द 17 एंट्रीज करेक्ट बाय द वे तीर्थ हित अरे वाह अरे वाह अरे 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 सही वेरी गुड बहुत बढ़िया
किसी का एकदम नीट प्रेजेंटेशन है इसमें, चकाचक लिखा हुआ, कैंसलेशन के बिना वाला, सबका हाथ हट रहा है अभी धीरे धीरे. नीट बोला तो खत्म. ओके तिशा एंड रैना, दोनों जन तुम इमेज क्लिक करके जरा ग्रुप पे सेंड कर दो. चलो सॉल्यूशन का इमेज प्लीज जस्ट सेंड इट इन द ग्रुप. ओके गुड रितिका. नेक्स्ट वन 33rd सम. गुड्स परचेज फ्रॉम किशोर वेयर पास थ्रू सेल्स बुक. कम ऑन फटाफट. कौन था यहाँ पे? पूजन, टेल मी द करेक्ट एंट्री. 33rd सम फटाफट पूजन. कुछ परचेज फ्रॉम किशोर. परचेज टू किशोर. परचेज टू किशोर लिख दो सब लोग. हाउ मच? 700. व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री पूजन? डैश टू किशोर टू सेल्स. अरे 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 इतने टाइम के बाद ये मिस्टेक. ओ माय गॉड, यू आर गिविंग मी एन हार्ट अटैक. अदित शाह, व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? किशोर टू सेल्स. चेंज कर दिया भाई, ऐसा गड़बड़ मत करो अभी. सेल्स टू किशोर इज रिवर्स. व्हाट कैन यू कैंसल? आई डोंट थिंक सो यू कैन कैंसल आउट एनीथिंग. सो इट विल बी परचेज सेल्स टू किशोर. इज दैट राइट? परचेज सेल्स टू किशोर. 7 7 1400. 7 7 1400. नरेशन स्किप करो. नेक्स्ट वन इधान. आइटम ऑफ 120 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक. व्हाट इज द करेक्ट एंट्री फॉर परचेज रिटर्न? सर तो सर द आइटम टू परचेज रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न. हाँ नहीं वो मतलब गुड्स रिटर्न बायर्स, वही है उसका मतलब. वही है कि वी रिटर्न्ड द गुड्स. व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? इट विल बी So it will be creditor to purchase return. Perfect. Creditor to purchase returns. Kitna? 120. What is the wrong part, Idant? It will become purchase to creditor. Purchase to creditor. Sabko samajh aaya? Book change kiya. To full entry ulta. Creditor to purchase. 120. Can you cancel out anything? Nothing. So what are you left with? Creditor to purchase. To purchase returns. This will be 240, 120, 120. Is that clear? Samjhanu, Virali, next one. Amount payable to Subhash for repairs done to printer 180 and a new printer supplied for 1920 entered in the purchase book as 2000. Think, क्या होना चाहिए करेक्ट एंट्री? दिस वन इज अ बिट डिफिकल्ट वन, बिट ट्रिकी वन. एनी वन वुड लाइक टू ट्राई दिस? अमाउंट पेबल टू सुभाष फॉर रिपेयर डन टू प्रिंटर एंड अ न्यू प्रिंटर सप्लाइड फॉर 1920 एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 2000. एनी वन वुड लाइक टू ट्राई? Sir, printer to cash to Subhash. Sir, no. Sir, our printer to Subhash is out. Printer to Subhash, sir. So amount is wrong. 2100 out. No. What is the correct entry? I'm asking you guys. What is the correct entry? Repairs to history to cash. No, wrong. The printer to cash. Printer to Subhash. Repairs. No, wrong. Repairs printer to Subhash. हाँ, रैना जी ने सही उत्तर दिया. It is repairs printer to Subhash. देखो, ऐसा नहीं बोला है कि नया प्रिंटर के ऊपर repairs किया है आपने. ऐसा नहीं दिया है. Repair का पैसा अलग देना है और नया प्रिंटर का पैसा अलग देना है. दोनों पैसा देना बाकी है सुभाष. तो मुझे बताओ, आप क्या एंट्री करते हो जब आप क्रेडिट पे प्रिंटर खरीदते हो? प्रिंटर टू सुभाष. वो तो समझ में आ गया, प्रिंटर खरीदा है क्रेडिट पे. अब रिपेयर्स का पैसा
वो नए प्रिंटर पे नहीं हो रहा है, रिपेयर का पैसा अलग देना है और नया प्रिंटर का अलग देना है, वॉट इट? तो रिपेयर का पैसा दे दिया है कि देना बाकी है? दे दिया है, देना बाकी है। कैसे पता चला? पेबल, पेबल, सो इट इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स की एंट्री क्या होती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बराबर है। लेकिन जब एक ही बंदे को देना हो ना, अगर एक ही बंदे को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देना हो तो आप पार्टी का नाम भी लिख सकते। तो इंस्टेड ऑफ रिपेयर्स टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, यू कैन यूज रिपेयर्स टू सुभाष, जैसे आप करते हो ना परचेज टू क्रेडिटर। आप ऐसे नहीं लिखते परचेज टू आउटस्टैंडिंग परचेज, परचेज टू क्रेडिटर, एक ही बंदे को पैसा देना है। तो वैसे ही रिपेयर्स टू सुभाष, रिपेयर्स एक्सपेंस बढ़ा, सुभाष को पैसा देना बढ़ते। तो प्रिंटर खरीदा क्रेडिट पे, उसका प्रिंटर टू सुभाष, और रिपेयर्स का पैसा देना बाकी है उसका रिपेयर्स टू सुभाष। तो आपका करेक्ट एंट्री होगा रिपेयर्स प्रिंटर टू सुभाष, रिपेयर्स प्रिंटर टू सुभाष। रिपेयर्स में आएगा आपका 180, नया प्रिंटर आया है 1920 का, और इधर आएगा 2100। ये आएगा आपका करेक्ट है। इट वॉज अ बिट ट्रिकी वन, नो डाउट, नहीं किया होगा तो डिफिकल्ट लगेगा। अब समझ आया ये प्रिंटर टू सुभाष? अगर ये रिपेयर नए प्रिंटर पे ही हुआ होता तो प्रिंटर खरीद प्रिंटर तो फिर डायरेक्टली प्रिंटर टू सुभाष, तो फिर एडअप टू द कॉस्ट, गॉट इट? व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री गाइस? परचेज टू सुभाष, ये तो परचेज बुक में डाल दिया परचेज टू सुभाष, और वो भी कितना डाला? 2100। रिवर्स इट, यू गेट सुभाष 2000 डाला उसमें। ओह सॉरी, 2000 डाला, अमाउंट रॉन्ग है। सो 2000 सुभाष, तू परचेज कर दो इसको 2000। कैन यू कैंसल आउट एनीथिंग? सुभाष सुभाष जाएगा, इधर 100 रुपया बचेगा। तो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? रेक्टिफाइड एंट्री आएगी आपकी रिपेयर्स डेबिट 180, प्रिंटर डेबिट 1920, टू परचेज 2000, टू सुभाष 100 रुपीज। ओके, रिपेयर्स प्रिंटर टू परचेज टू सुभाष, रिपेयर्स प्रिंटर टू परचेज टू सुभाष, गॉट दिस? दैट्स योर रेक्टिफाइड एंट्री। थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है? आपने पेएबल रखा था, रिपेयर्स को भी पेएबल रखा था, दैट वॉज द हिंट ओवर देयर, रिपेयर्स वेर पेएबल नॉट पेड। परचेज प्रिंटर आपने खरीदा हुआ है और रिपेयर्स आपका पेएबल रखा हुआ है, दोनों क्रेडिट पे था, समझा? अभी नेक्स्ट वन, यस विराली, रिटर्न गुड्स टू नितिन 1500 वेर पास टू रिटर्न इन वर्ड्स बुक, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? रिटर्न गुड्स टू नितिन 1500 विराली, हेलो विराली, आर यू देयर? Think she's gone out of network. Diya Bavisi, tell me, return goods to Nitin, the correct entry. Diya, not audible. Heet Joshi, return goods to Nitin. Yes, sir. रिटर्न गुड्स टू नितिन, इसमें इतना देखने का क्या, बोल दे ऐसे। ओके सॉरी, नितिन टू परचेज रिटर्न, इतना क्या सोच रहा है? नितिन टू परचेज रिटर्न्स, दैट इज 450। ध्रुवी शाह, व्हाट इज द रॉन्ग पार्ट एंटर्ड इन रिटर्न इन वर्ड बुक? इट्स 1500। यस, 1500. Dhruvisha, wrong entry. Yes, it is to purchase return. Return inward में डाला, sales return book में डाला, अथर्वा,
मोहन रॉन्ग एंट्री इजी छे भाई अथर्व एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक समीक्षा सेल्स रिटर्न टू नितिन समझा ये परचेज रिटर्न का एंट्री आपने सेल्स रिटर्न में बुक में डाल दिया बुक चेंज कर दिया तो सेल्स रिटर्न टू नितिन देन नितिन टू सेल्स रिटर्न कैन यू कैंसल आउट एनीथिंग नथिंग सो नितिन टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न बुक ही चेंज कर दिया तो पूरा स्वरूप जो बुक का एंट्री ले लेगी ओके नितिन टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न द लास्ट वन आइटम ऑफ 450 रिलेटिंग टू प्रीपेड रेंट अकाउंट वॉज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड प्रीपेड रेंट अकाउंट का आइटम वॉज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड क्या होगी एंट्रीज की सोच के बताओ ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं लाया मतलब बैलेंस नहीं लाया कास्टिंग एरर सो नो राइट नो रॉन्ग नो रिवर्स व्हाट इज योर रेक्टिफाइड एंट्री prepaid rent to suspense prepaid rent to suspense what balance is prepaid rent having debit because it is an asset asset so prepaid rent to suspense is this clear acha abhi apna anyone has marked the sums I think ek ya do sum mere baki hain jo aapko homework karne hain I think ek to hai usme sum number 6 I think am I right sum number 11 6 and 11 two sums are for homework theek hai ek before trial balance hai ek after trial balance 6 and 11 one is before trial balance one is after aata hai before trial balance hello homework mein diya tha aapko what is the peculiarity of before trial balance can't you suspense okay debit credit mein notes likhna hai The 6 and 11 last two sums they are for homework and Thursday we are meeting online offline combined for a new topic called depreciation acha ye Sunday most probably if the situation is now diluting day by day so cases kam ho rahe hain seedhe 20 se 13000 ho chuke hain so mostly ye Sunday I am planning to keep your test jo apna pending hai BRS trial balance and petty cash book wala theek hai so this Sunday Mostly you will have that test. मैं confirm आपको आज या शाम तक या कल तक मैसेज भेज दूंगा तो प्रैक्टिस चालू कर देना बी आर एस ट्रायल बैलेंस एंड पेटी कैश बुक ऑफलाइन टेस्ट होगी ठीक है ऑनलाइन नहीं होगी ऑफलाइन होगी एट द क्लास ओके ये संडे को दैट्स अबाउट इट थर्सडे न्यू टॉपिक डाउट्स है तो रुको अदरवाइज यू कैन टाटा बाय सर बाय सर बाय सर